फतेहाबाद को पानी रोक रखा है, हमारा पानी गांव डूब जाए तो हम कहाँ जाएंगे? एमएलए साहब आए हैं, वो गेड़ा लगा के यहाँ से चले गए, कोई आश्वासन नहीं दे गए, कुछ नहीं। अब ये देखो बांध टूटने वाला हो रहा है। नमस्कार सभी भाइयों को, राम राम। मैं संदीप नोखवाल, और अभी फतेहाबाद के बिल्कुल पास यानी फतेहाबाद से सिर्फ 1 किलोमीटर हाईवे से बरसीन गांव के अंदर मौजूद हूं। और बरसीन गांव के हालात मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताए थे, लेकिन 2 दिन के अंदर पानी का जलस्तर कितना बढ़ चुका है ये तो आप देख ही सकते हैं। कैमरामैन से कहूँ दिखा दें। और गाँव वालों ने गाँव को बचाने के लिए ये जो पूरा का पूरा एक जो है बांध तैयार कर दिया गया है, और बांध को मजबूत करने में अभी लगे हैं। जैसे कि मोगे के माध्यम से पानी है दूसरी साइड भी चला गया है, और जिसकी वजह से ढाणी डूब गई है, जो मैं आपको ड्रोन शॉट से दिखाऊंगा, जो ढाणी डूब गई है, और जो है ड्रोन शॉट से वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आसपास की ढाणियाँ भी काफ़ी डूबी हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं भाई, इस बांध को मजबूत किया जा रहा है। और देखिए जो है लोग बांध को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पानी के अंदर आप देख सकते हैं लेवल मीटर भी लगाया गया है, तो कैमरामैन से कहूँगा लेवल मीटर लगा दें, जहाँ से ग्रामीण लेवल ना पड़े। भाई साहब मौजूद है, इनसे बातचीत करूँगा। तो भाई साहब कितना लेवल बढ़ा है पिछले 2 या 3 दिनों के अंदर, कितना लेवल इंक्रीज हुआ है? 2-3 दिन के अंदर 1.5 फुट पानी बढ़ चुका है। तो पहले काफ़ी नीचे था, ये काफ़ी नीचे था, अब 1.5-2 फुट, अब कम से कम 5.5 फुट यहाँ पानी। और अभी कम होने की उम्मीद लगती है? कोई उम्मीद नहीं है, जो हवा चल रही है उसके जाल लग गए, हमारा कटाव शुरू हो गया अब पूरे गांव के। तो भाई साहब ने जो ये बांध कितने दिन पहले तैयार किया था आपने? ये हफ्ते पहले कर दिया था सर। पहले हाँ, तो हफ्ते पहले ये बांध तैयार हुआ था, और अभी कटाव को जो शुरू हो गया था तो मजबूत करने में लगे हुए हैं ग्रामीण, वो देख सकते हैं। और वहाँ पर जो है बांध टूट गया था, और जिसकी वजह से रोडों पर मिट्टी भी डाली गई, जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा देख सकते हैं। और काफ़ी जो नुकसान फसलों को हुआ है, मार्ग बंद कर दिया, जो कटाव शुरू हो गया था सड़क का, गाँव में पानी जाने का डर था। तो अभी फतेहाबाद से जो बुन्ना मार्ग है, जो पिछले 2 दिन तक तो चालू था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा, ताकि जो पानी गाँव के अंदर ना घुसे। और आप देख सकते हैं जो गांव के अंदर जो मकान देख सकते हैं, कितनी निचाई पर आपको देखने को मिलेंगे। कैमरामैन इसको दिखा दे कि निचाई जो देख सकते हैं गांव की कितनी है, और यहां पर जो इस चीज़ को मजबूत करने में तो गांव वाले कार्य करने में लगे हुए हैं, और लगातार कार्य कर रहे हैं। ये मजदूर नहीं है, गाँव वाले सेवा कर रहे हैं, क्या कहेंगे हालात के बारे में? आप कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, आपका धन्यवाद इस चीज के लिए। यही कहेंगे आगे प्रशासन वाले, ग्राम सचिव के बिना हमारे गांव में कोई नहीं आ रहा, आए संभाले, नहीं तो हमारे गांव को खतरा है। तो पिछले 2 दिन में जो कुछ प्रशासन वाले यहाँ पर आए, जायजा लिया, कुछ कहा आपसे? ग्राम सचिव और SDO के बिना कोई नहीं आया यहाँ पे, PDO वगैरह कोई नहीं आया, विधायक आज आए थे, वो बस यही कह रहे हम तुम्हारे साथ हैं, साथ आने का कुछ नहीं होता, अगर ये बांध टूट गया तो हमारे गांव को खतरा है। तो अभी आप मतलब अपने तौर पर बांध को मजबूत करने में लगे हुए हैं? हाँ जी हाँ जी, हम 15 तारीख से लगे हुए हैं, अपने बेस पे कर रहे हैं, गाँव के गाँव वाले सेवा कर रहे हैं। तो कहना चाहूँगा कि प्रशासन इस चीज़ में जो सरपंच साहब का सहयोग करें, सरपंच सर लगातार अपील करें कि प्रशासन इस चीज़ को जो है अपने नज़रिए से देखे, और ये देख सकते हैं ग्रामीण कैसे किस प्रकार से लगे हुए हैं, ताकि ये बांध टिका रहे। और जो इस बांध के अंदर जो त्रेड़े तक आ चुकी है, कैमरामैन से कहूँगा त्रेड़े दिखा दे, क्योंकि जो है बांध की मजबूती जो है कम हो रही है, लेकिन ग्रामीण फिर भी लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से जो है गाँव को बचाया जाए। और आगे आप देख सकते हैं जो लगातार यहाँ पर जो मेहनत की जा रही है ग्रामीणों के द्वारा, और ये देख सकते हैं भाई साहब पानी के अंदर जो है, पानी के अंदर घुसकर एंजॉय तो क्या करें, पानी के अंदर घुस के जो बांध को मजबूत करने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं भाई पूरे के पूरे डूबे हुए हैं, पानी का लेवल देख सकते हैं जो का पूरा पूरे जो डूब चुके हैं भाई साहब, और देख सकते हैं भाई लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो भाई दुआ करेंगे भाई आपका बांध मजबूत रहे, और ये देख सकते हैं भाई कारीगर कार्य करने में लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा मजबूत करके छोड़ेंगे, और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच में जो ग्रामीण लगातार यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह लाकर जो लगे हुए हैं, और अंदर आप देख सकते हैं जो है किस प्रकार से कार्य हो रहा है, ग्रामीण कार्य करने में जुटे हुए हैं, और देख सकते हैं भाई मिट्टी जो डाली जा रही है बांध पर, और अच्छा कार्य जो है ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। तो पूरा पूरा गाँव को बचाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पर लगी हुई है, और किस प्रकार से जो है लगातार जो है मातृशक्ति भी इस चीज़ में सहयोग दे रही है पूरा पूरा। तो ये देख सकते हैं भाई कार्य चल रहा है, और
और देख सकते हैं लगातार यहाँ पर मेहनत की जा रही है और जो है महिलाएं यहाँ पर लगी हुई है और देख सकते हैं। नमस्कार ताई, क्या जो बचा लोगे के काम ने बचा लेंगा चलो अच्छा है। दस दिन से लग रहे हैं जी, भाई बहन सारे लग रहे हैं। मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। भाई पानी बहुत पीछे से बहुत ज्यादा आ रहा है पानी। सरपंच साहब कर रहे हैं, हम तो अपने आप कर रहे हैं, सारे लग रहे हैं, छोटे बड़े सारे। आप बात तो सुनो, सरपंच साहब कर रहे हैं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रशासन वाले कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तो प्रशासन वाले आए भाई ध्यान दे, हमारे तो वो है कि बचा रहे हमारे गाँव का नहीं। फतेहबाद को बंद कर रखे हमारा गांव डूब रही है, कोई बात है? फतेहबाद को पानी रोक रखे हमारा पानी, गांव डूब जाए तो हम कहाँ जाएंगे? भाई वहाँ से पानी निकाला जाए, पीछे से बहुत पानी आ रहा है, कल से भी पानी बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लगातार आप कोशिश करते रहिए। जो है प्रशासन को यहाँ पर जो महिलाएं कह रही हैं कि सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए, और यह देख सकते हैं जो अपना करिए में लगे हुए हैं वो, या तो बन भाई बन बोल लो, आप किसी को कुछ बोलना हो अभी, किसी को कुछ बोलना हो तो बन भाई बन बोल लो, एक साथ नहीं बन भाई बन, हाँ हाँ कल्ली बोलो, आप बोलो क्या कुछ कर जाएंगे। मैं क्या बोलूं, आप ही सबसे ज्यादा बोल रही थी। भैया हमारे से जितना हो सकेगा हम उतना अपनी तरफ से बहुत कोशिश करेंगे बस। चलो ठीक है, कोशिश करते रहो। हाँ जी, आपका क्या कहना है? नहीं जाके अच्छा कटिया होना, जिथे बाबा बैठे ने पुलिस वाले उठे जाके सारी जनानियां कटिया, वो भी छड़ा पानी फदे बाद में जान दो सानू दा बचाओ, छड़ा घर भी तक ने देते खड़ा आएगा। हां उठे जाके सासता रात रुकी पता जा सड़ी मन जाई दर जण सानू की पता की होंदा पे आएगा, और रात सुते नु कोई पता नहीं आएगा भैया, कोई पता नहीं आएगा थोड़ा सुते। चलो ठीक है जी, आप कार्य करो, मिट्टी डालो। चलो कर रहे तो यहाँ पर जो है प्रशासन जो है कोई भी सुध नहीं ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गांव जो है इस बांध को मजबूत करने में लगा है, और प्रशासन जो है यहाँ पर कुछ भी जो है कोशिश नहीं हो रही है। और जो है ये भाई साहब भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, भाई साहब जो कट्टों को बांधने के लिए यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये भाई साहब रस्सियां काट रहे हैं कट्टों को बांधने के लिए, बांध पर सुबह से पिछले 5 दिनों से लगे हुए हैं। तो भाई साहब 5 दिन हो गए, पूरा का पूरा गांव लगातार कोशिश कर रहा है, और ऐसे में प्रशासन के अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, प्रशासन के अधिकारी कई बार आगे चक्कर मार के चले गए, कुछ भी सुध बुध नहीं ली, गट्टे भी मारे को मुहैया नहीं कराई। ये भी सारे ही पंचायत अपने सिस्टम से कर रही है, जितना भी पैसा लग रहा है अपनी पंचायत सारी, गाँव के गाँववासी सारे इकट्ठे लग रहे हैं, ये किसी का कोई सहयोग नहीं मिला। डीसी अफसर तो हमारे पास आई नहीं, एक बार भी नहीं आए वो। MLA साहब आए हैं, वो भी गेड़ा लगा के यहाँ से चले गए, कोई आश्वासन नहीं देंगे कुछ नहीं। अब ये देखो बांध टूटने वाला हो रहा है, सारा गांव इकट्ठा हो रहा है पूरा, इसका मतलब तो यही है प्रशासन भाई गांव को डुबो दो, शहर को बचा लो। हाँ जी हाँ जी, वो शहर को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, गांव डूब जाए इनका, उनको कुछ नहीं इस चीज़ का वास्ता पड़ रहा। बच्चे छोटे छोटे लग रहे हैं, सुबह के लग रहे हैं, ये सारा गाँव आ रहा है हमारे साथ, बहने भाई सब लग रहे हैं जी अपने। अच्छी कोशिश है कि आप अपने गाँव को बचाने के लिए खुद के स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, और जो है वो बांध तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, लगातार जो है बांध को मजबूत करने में जो है ग्रामीण लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि कैमरामैन आपको दिखाएंगे कैसे बांध को मजबूत किया जा रहा है। ये देख सकते हैं भाई लगातार पानी के अंदर जो है ग्रामीण सुबह से लगे हुए यहाँ पर मजबूत करने पे, किसी न किसी प्रकार से जो है मजबूती की जाए ताकि जो गांव पे जो खतरा बना हुआ है वो टल जाए। आगे मैं दिखाता हूँ जहाँ पे ढाणियाँ डूबी है वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं भाई किस प्रकार से ग्रामीण जो है कड़ी मेहनत करके जो है मिट्टी के कट्टे भर भर कर ले जा रहे हैं ताकि इनका बांध मजबूत हो सके, और वहाँ पर जो लगे हुए हैं ग्रामीण वहाँ पर जो है बांध को लगातार मजबूत करने में ये लगे हुए हैं। ये फतेहबाद भुन्ना रोड पर आप देख सकते हैं रास्तों को बिल्कुल बंद कर दिया गया है ताकि बाढ़ का पानी इधर ना घुसे, और ये एक और बांध है जो गांव को बचाने के लिए आप देख पा रहे हैं, और वो ढाणी पूरी की पूरी डूब चुकी है। कैमरामैन से कहूँगा कि वो ढाणी दिखा दे, और जो है ड्रोन शॉट भी देख पा रहे हैं ढाणी का कि कितना पानी ढाणी के अंदर चढ़ चुका है, ये चीज़ें देख पा रहे हैं। तो लगातार यहाँ से जो है
ग्रामवासी लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से गांव के अंदर पानी को घुसने से रोका जाए, जो आपने वीडियो में देखा होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मैं संदीप नोकवाल, कैमरामैन इस्तपाल झंडा के साथ HBN24 न्यूज़।